नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर दीपक कुमार जो कि यूपी के बरेली के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इनकी स्टोरी जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से अवगत रहें जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों इन्होंने कहा है कि यह अपने कुछ स्टूडेंट को मथुरा से गोवा ले जा रहे थे कराटे की चैंपियनशिप के लिए। ये अपने घर बरेली से 12 घंटे पहले बस के द्वारा निकलते हैं और सुबह इनकी जो है ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन से 8:30 बजे से रहती है। ये अपने घर बस से निकलते हैं, रास्ते में निकलने के बाद पता चलता है कि गंगा स्नान के कारण बस के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और जिसमें इनको जाने में कुछ ज़्यादा समय लगेंगे और उस बस का ड्राइवर कुछ नया था, उसको रूट के बारे में उतना पता नहीं था। इस तरीके से करते करते करीब 8 बजे तक यह हाथरस पहुँचते हैं। हाथरस से बस पर स्टेशन पर पता चलता है कि यहाँ से 40 मिनट लगेंगे मथुरा रेलवे स्टेशन जाने में। तो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से 40 मिनट लगते हैं तो मेरी ट्रेन वहाँ से छूट जाएगी। तो वहाँ हाथरस जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर एक टैक्सी वाले से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ से मथुरा हमको जाना है, आप कितने रुपए लोगे और कितना टाइम लगेगा। टैक्सी वाला इनसे बोलता है कि हम 20 से 25 मिनट में आपको पहुँचा देंगे और 1500 रुपये यहाँ से लगेंगे। ये बोलते हैं कि चूंकि इनको जाना जरूरी था इसलिए 1500 रुपये में राजी हो जाते हैं और उस टैक्सी को बुक करके अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ से निकलते हैं और बीच बीच में बोलते रहते हैं कि तेज चलिए तेज चलिए। बोलकर या जल्दी से मतलब करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं या मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जल्दी से दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म लाइन पर आते हैं तो पता चलता है कि इनकी आँख के सामने इनकी जो ट्रेन है वो निकल चुकी होती है। सामने देखते रह जाते हैं, ट्रेन निकलती रहती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। बहुत मतलब कि इनको दुख भी होता है कि इस तरीके से चूंकि इनको जाना जरूरी था, इनका चैंपियनशिप था, तो ये लोग क्या करते, ट्रेन तो निकल ही गई थी। लास्ट में ये सारे लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, बैठकर सोचने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ से 2 घंटे के बाद एक अगली ट्रेन है जो कि मुंबई को जाएगी। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम मुंबई निकल जाएंगे और मुंबई से गोवा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर मतलब गोवा किसी तरह पहुँच जाएंगे। फिर जैसे ही ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है ये तो दौड़कर जाते हैं और उस ट्रेन के लिए जनरल का टिकट लेते हैं। टिकट वगैरह लेने के बाद प्लेटफॉर्म लाइन पर उस ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। तब उनको एक टीटी वहां पर दिखाई देते हैं और टीटी से ये जाकर बोलते हैं, चूंकि वो जो टीटी थे उनके पास चार्ट वगैरह था तो पता चलता है कि वो टीटी उसी ट्रेन के लिए थे जो ट्रेन इनके लिए आ रही थी। तो ये बोलते हैं टीटी से कि सर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, आप अगर स्लीपर में कोई सीट हो, मेरे पास जनरल का टिकट है और मेरी ट्रेन छूट गई है, तो आप अगर स्लीपर में कोई सीट हो तो प्लीज़ सीट बना दीजिए। तो वो टीटी बोलते हैं कि आपको 1800 रुपये लगेंगे। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कम कर दीजिए, कम करके होता है चूंकि स्टूडेंट है पैसे उतने नहीं है बोलकर। तो बोलते हैं नहीं, 1800 रुपये लगेंगे, अगर आपको बनवाना है तो बनवाइए और नहीं तो आप दूसरे ट्रेन से जाइए। फिर ये उस टीटी से जो है टिकट नहीं बनवाते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है तो ये करते क्या है कि उस कोच को छोड़कर किसी दूसरे स्लीपर कोच में बैठ जाते हैं। चूंकि ट्रेन वहाँ से चलने वाली होती है तब तक कुछ देर बाद टीटी वहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि वो वही टीटी रहते हैं जो जिनसे इनकी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई थी। तो ये फिर उस टीटी से बोलते हैं कि सर जो है हम लोगों को जाना है, हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, प्लीज़ जो है टिकट बना दीजिए कुछ कम करके। तो वो टीटी क्या बोलते हैं कि अब आपको 2000 रुपये लगेंगे। सोचिए, एक बार 1800 रुपये बोले, फिर इनको बोले कि 2000 रुपये लगेंगे, आपको बनवाना है तो बनवाइए नहीं तो अभी तुरंत यहाँ से उतर जाइए, ट्रेन खुलने वाली है और आप जनरल में चले जाइए। ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, फिर वहाँ से उतर जाते हैं और उतर कर 3-4 मतलब कि कोच को छोड़ के किसी और स्लीपर कोच में ही बैठ जाते हैं। ट्रेन वहाँ से चल देती है, चलने के कुछ दूर के बाद एक टीटी आते हुए फिर से दिखाई देते हैं और जैसे ही वो टीटी इनके सामने आते हैं तो पता चलता है कि वही सेम टीटी थे जो इनकी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई और सेकेंड टाइम जो उनको कोच में मिले थे वही सेम टीटी पुनः आ जाते हैं। फिर इन लोगों को देखने के बाद ये सर जो है उनसे बोलते हैं कि सर अब हम परेशान बहुत हो गए, अब प्लीज़ आप मेरा जितना लगे जो है मतलब कि जो पैसा आप बोले थे उसी में जो है आप टिकट बना दीजिए, अब हम लोग इधर उधर नहीं कर पाएंगे। तब वो टीटी क्या बोलते हैं कि अब आपको 2500 रुपये लगेंगे। सोचिए, एक बार 1800 रुपये बोलते हैं, फिर 2000 रुपये बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि अब 2500 रुपये लगेंगे।
तब ये इनको जो है गुस्सा आ जाता है। ये बोलते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, कि आप मनमानी तरीके से कभी 1800 कभी 2000 कभी 2500 रुपए ले रहे हैं, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट लोग हैं, आप जरा सी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और चूंकि मेरी ट्रेन छूट चुकी है, मैंने ऑलरेडी रेलवे को पे किया है, चाहे रीजन जो भी हो लेकिन पैसा तो दिए थे, कुछ भी वो टीटी जो है सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, बस बोल रहे थे 2500 रुपए लगेंगे, अगर आप 2500 रुपए देंगे तो बैठिए, अदरवाइज आप यहाँ से अगला जो स्टेशन आएगा वहाँ से जो है कोच को चेंज कर लीजिए, आप जनरल में चले जाइए। काफ़ी कुछ जो और भी लोग थे वो लोग भी समझाने की कोशिश किए लेकिन वो टीटी नहीं माने। अब चूंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, मैंने कई सारी वीडियो टीटी के ऊपर बनाया है, अक्सर केस में यही होता है, टीटी के अंदर पता नहीं इंसानियत क्यों नहीं आती। यहाँ इनके साथ स्टूडेंट थे, उनको समझना चाहिए था, मान लीजिए कि 100-200 रुपए टिकट बनाकर दे ही रहे थे लेकिन इस तरह के मनमानी किराया वसूले जा रहे थे, उनका क्या नियम था, क्या रूल रेगुलेशन था, कुछ भी नहीं। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या इन्होंने नहीं बताई है जिससे कुछ पता चल सके कि जो है कितने एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पर टीटी कभी 1800 रुपए में मान जाते हैं, कभी 2000 कभी 2500, तो इस हिसाब से यह जरूर लगता है कि वो अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर पैसे को ले रहे थे और उनके अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं थी और इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे थे। काफ़ी कुछ जो है मतलब दोनों के बीच बहस होने के बाद लास्ट में वो 2500 रुपए ही उनको देना पड़ा और 2500 रुपए देने के बाद वो टिकट बनवाए, लेकिन टिकट बनवाने के बाद भी उनको सीट वगैरह कुछ नहीं मिला, बस उनको बैठ वहाँ पर स्लीपर कोच में घुसने की इजाज़त मिल गई। तो दोस्तों देखिए किस तरह से वहाँ पर स्टूडेंट लोग काफ़ी परेशान हुए। लास्ट में इन्होंने कहा है कि एक अंकल जी थे, उनके साथ 3-4 लोग थे, तो अंकल जी जो है उनके साथ शिफ्ट हो गए और बाकी जो स्टूडेंट थे उनको अपनी पूरी सीट दे दिए कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, और इस तरीके से बाकी इनके जो सर थे वो खड़े खड़े मुंबई तक गए। तो इन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, क्या ऐसा कुछ रेलवे का रूल रेगुलेशन है, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इस स्टोरी को जरूर शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से हमें यही कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आप कभी भी ट्रेन में जर्नी करें और इस तरीके से आपके साथ कोई समस्या होगी, कोई स्टूडेंट लोग हों या फिर आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हों जो कि मतलब ज़्यादा लोग हों उसमें, तो आप यही कोशिश कीजिए कि पहले मतलब कि आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचिए ताकि इस तरीके की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ट्रेन आपका कभी भी इंतज़ार नहीं करेगी, आप समय से पहले पहुंचिए। अगर ये समय से पहले पहुंचे होते तो इनके जो है इनकी प्रॉपर टिकट थी और इनको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। चूंकि यहाँ पर लेट होने के कारण इनकी ट्रेन छूटी जिससे इनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कभी भी स्टूडेंट को लेकर ट्रेन में जर्नी करें तो रेलवे जो है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कंसेशन पर टिकट बनवाती है, आप उस पास को बनवा लीजिए। पास को बनवाने के बाद आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप स्लीपर में जाइए, जनरल में जाइए, टीटी लोग इतना बहस आपसे नहीं करेंगे क्योंकि वो बकायदे प्रूफ है रेलवे के तरफ से, जो रेलवे जो है यहाँ पर अलाउ करती है स्टूडेंट को पास के लिए। तो आप इस तरीके का प्रॉपर पास बनवाकर ही यात्रा करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी भी कराटे चैंपियनशिप वगैरह के लिए जा रहे हैं, यानी कि आप किसी न किसी तरह से एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो एथलेटिक्स के लिए भी यहाँ पर रेलवे जो है प्रॉपर पास यहाँ पर जारी करती है। उस पास को आप बनवा कर अगर जाएंगे तो टीटी लोग इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। तो आप इन फ्यूचर यात्रा करें और आपके साथ कोई स्टूडेंट लोग हो तो इस तरीके का पास वगैरह बनवा कर ही यात्रा करें और कोशिश करें कि कुछ देर पहले पहुंचे ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने सीट वगैरह पे बैठ सकें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और अगर इन फ्यूचर आप यात्रा करेंगे तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की आपकी कोई स्टोरी हो और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो के रूप में इसी तरीके से पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, मैं उसे अगले संडे जरूर वीडियो के रूप में लाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।